आप देख रहे हैं दखल न्यूज। सुकमा में नक्सलवादियों की मिलिट्री बटालियन की मात समझे जाने वाले सारकेल किस्टाराम के जंगल में कोबरा डीआरजी और सीआरपीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में 8 लाख के दो इनामी नक्सलियों सहित 8 नक्सलवादी मारे गए। इनमें नक्सलियों का मास्टर ट्रेनर ताती भीमा भी मारा गया है। इस मुठभेड़ में डीआरजी के दो जवान भी शहीद हो गए हैं। सारकेल किस्टाराम के जंगल में नक्सलियों के डीवीसी मेंबर सहित कुल 8 नक्सली मारे गए। हालांकि इस मुठभेड़ में 2 जवान भी शहीद हो गए हैं। मुठभेड़ स्थल से एक ऑटोमेटिक एसएलआर राइफल सहित 11 हथियार भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा आईईडी बम प्रेशर बम बरामद किया गया है। मुठभेड़ के बाद लगभग एक ट्रैक्टर भर के नक्सलियों का सामान मिला। बस्तर रेंज में जो नक्सलियों के विरुद्ध ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, इसमें जैसे कल बीजापुर में भी सफलताएं मिली थी जिसमें 2 नक्सलियों के शव बरामद हुए थे। इसी क्रम में आज सुकमा जिले में जो नक्सलियों के जो बटालियन है उसका जो गढ़ है साकलेर और उसके आसपास के क्षेत्रों में सुकमा जिले की डीआरजी एसटीएफ और वहाँ पर जो कोबरा हैं इनकी संयुक्त टीम उस क्षेत्र में ऑपरेशन के लिए एक इनपुट पर निकली थी। और आज सुबह जैसे ही साकलेर के आसपास फोर्स पहुंची, नक्सलियों के द्वारा इनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग किया गया और जिसका जवाब डीआरजी और एसटीएफ के जवानों के द्वारा दिया गया। और जो इनकाउंटर करीबन 45 से 50 मिनट तक जो फायर्स इनकाउंटर है वो चला। इसके अतिरिक्त लगातार उनके तरफ से फायरिंग लगातार दिन भर चलते रही जब जब फोर्स वहाँ से निकल रही थी। और जब 45 मिनट के बाद जब गोलाबारी थोड़ा कम हुआ और फोर्सेस ने चारों तरफ से जब घेर लिया क्षेत्र को, उसके बाद सर्चिंग के बाद वहाँ पे नक्सलियों के 8 शव बरामद हुए जिसमें 2 डिवीसीएम रैंक के हैं जिनके ऊपर शासन से 8-8 लाख के इनाम घोषित हैं। परंतु इस इनकाउंटर में 2 हमारे जवान बहादुरी से मुकाबला करते हुए और जिनके द्वारा लगातार आगे रहकर नक्सलियों के जो फायरिंग हो रही थी उसका जवाब दे रहे थे, उसमें अनफॉर्चुनेटली 2 हमारे बहादुर जवान शहीद हो गए जिनको मैं शहादत को नमन करता हूं। हमारे संवाददाता संजीव पचौरी ने बताया कि नक्सलियों ने जिन डीवीसी मेंबर को फोर्स ने मार गिराया वह ताती भीमा था। ताती पूरे दंडकारण्य का मास्टर ट्रेनर था। नक्सली नेता अर्जुन के तेलंगाना में सरेंडर करने के बाद माओवादियों ने सुकमा जिले के गगनपल्ली निवासी ताती भीमा को संगठन में भर्ती होने वाले नए नक्सलियों को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी सौंपी थी। ताती भीमा माओवादियों के मिलिट्री बटालियन और पूरे दंडकारण्य का मास्टर ट्रेनर था और दक्षिण बस्तर डिवीजन कमेटी में डीवीसी सदस्य के तौर पर अहम भूमिका में था। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।